तो वेलकम टू कुमार प्रिंसिपल चैनल। और मैं इस वीडियो में आपको एसएसएल से जो सबसे बड़ी अपडेट अब तक की है वो मैं आपको बताने वाला हूं। वैसे ये अपडेट काफ़ी दिनों दो तीन दिन पहले आ चुकी थी मगर मेरे को इस वीडियो में बनाने में टाइम लग गया। और ये कुछ न्यूज़ मीडिया में न्यूज़पेपर्स में एसएसएल के बारे में न्यूज़ आ रही थी कि उसने कुछ चेंजेस करे हैं, पैटर्न में चेंजेस करे हैं, तो उसी चेंजेस के बारे में आज हम समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और मैं इस वीडियो में आपको दो नोटिफिकेशन दिखाऊंगा जो एसओएल ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ करा है, और उस ऑफिशियल वेबसाइट को हम पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या चेंजेस करे हैं। और तो आइए उस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। मैं उस और अगर आपको इस नोटिफिकेशन को पढ़ना है, डाउनलोड करना है, और तो आप मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अब देखिए हमारी स्क्रीन पर सबसे पहला वो नोटिफिकेशन आ चुका है, और ये स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है इस पर, और लोगो भी इसका बना हुआ है। ये 19/8/2019 को उन्होंने रिलीज़ करा है इस नोटिफिकेशन को। और इस नोटिफिकेशन में उन्होंने जो दे रखा है वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इसमें दे रखा है, इट इज़ नोटिफाइड फॉर इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल कंसर्न दैट एज अ पर द अप्रूवल ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वाइड ECRS नंबर इन्होंने दे रखा है 33 11 इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 20/21/7/2019 एंड 17/8/2019 द स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हैज़ implemented CBCS LOCF semester system in its all 5 undergraduate programs for the academic session 2019। इसमें मैं आपको सब सब बता दूं कि इसमें जो मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने कुछ 20/21 के 7वें महीने में कुछ मीटिंग करी थी SOL वालों ने, और तो और वो 17/18/2019 तक चली। उस मीटिंग में उन्होंने डिसाइड करा जो उनका पहले वाला पैटर्न जिसमें सिर्फ इस जो उनका पहले का पैटर्न था पढ़ाने का LOCF जिस पैटर्न को बोलते थे, अब उन्होंने चेंज कर दिया, वो पैटर्न हो गया हमारा CBCS। CBCS पैटर्न वो पैटर्न होता है जिसमें मतलब हमारे दो एग्ज़ाम होंगे एक साल भर पूरे साल में, और पहले SOL के सिर्फ एक एग्ज़ाम होता था। तो ले दे कि इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि इस बार हमारे दो एग्ज़ाम होंगे SOL स्टूडेंट 2019 में जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनके लिए सिर्फ ये उनके लिए है जो 2019-20 में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके लिए सिर्फ ये मतलब जो साल में दो बार एग्ज़ाम होते हैं ये होगा। और आप सोच रहे होंगे कि इसके मतलब सपोर्टिंग मटेरियल वगैरह वगैरह जो अभी कुछ भी नहीं आया, तो वो उसके बारे में इन्होंने दे रखा है, द स्टडी मटेरियल एज अ पर CBCS LOCF सिलेबस ऑफ ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफ SOL इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड एंड शोल बी अपलोडेड ऑन SOL वेबसाइट सून। ये कहना चाह रहे हैं कि जो अंडर ग्रेजुएट केवल अंडर ग्रेजुएट के लिए है, ना कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए या फिर जो मतलब आगे सेकंड थर्ड ईयर में है अंडर ग्रेजुएट के, वो सिर्फ जो 2019-20 में जिन्होंने एडमिशन लिया है ये सिर्फ उनके लिए है। तो इसमें वो कहना चाह रहे हैं कि जो अब हमने पैटर्न चेंज करा है LOCF से CBCS पैटर्न में चेंज करा है, उस पैटर्न के जितने भी सिलेबस हैं, बुक्स हैं, सपोर्टिंग मटेरियल है, वो जल्द वो तैयारी कर रहे हैं उस सिलेबस की पैटर्न की, और वो जल्द ही SOL वेबसाइट पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनकी उस पर वो डाल देंगे, और वहाँ से आप डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं, कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो ये और ये इन्होंने अपनी इस वेब नोटिफिकेशन में दे रखा है। और मैं आपको एक और वेबसाइट वो नोटिफिकेशन दिखाऊंगा जिसमें भी उन्होंने कुछ और बातें दे रखी हैं, तो उसे भी हम पढ़ेंगे। अब आपके स्क्रीन के सामने दूसरी नोटिफिकेशन जो SOL की तरफ से आई हुई है, तो उस नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा मैं आपको। इस नोटिफिकेशन में इन्होंने लिख रखा है, डियर स्टूडेंट, इट इज़ अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस दैट द स्टूडेंट एडमिटेड इन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन द एकेडमी एट पर विद द स्टूडेंट्स एडमिटेड नो वेरियस कॉलेजेस नो एडमिटेड इन टू वेरियस कॉलेजेस विद सेम सिलेबस एंड सेम एग्जामिनेशन सिस्टम। ये उसमें कहना चाह रहे हैं कि जो पहले जो रेगुलर वालों का सिलेबस पैटर्न था, और वही पैटर्न सेम आपका हो चुका है जो कि पहले अलग था SOL वालों का, तो अब वो सेम हो चुका है चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो SOL हो, अब दोनों का वो सेम पैटर्न हो गया है। और तो अब इसमें आगे इन्होंने देखा, ऑल स्टूडेंट्स वो हैव टेकन एडमिशन इन 2019-20 विल फॉलो CBCS सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम। इन्होंने वही बात बता रखी है जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, 2019-20 में वही CBCS सेमेस्टर फॉलो किया जाएगा, बेस्ड होगा उसके ऊपर। देर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन अ कोर्स बींग ऑफर्ड एट अ रेगुलर कॉलेज टू दूसरा पॉइंट में एंड अ कोर्स बींग ऑफर्ड एट SOL DU। इसमें भी उन्होंने वही बता रखा है कि मतलब जो रेगुलर कॉलेजेस हैं और SOL के जो कॉलेजेस हैं उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है।
तीसरा पॉइंट मेरे को ज़्यादा मेन नहीं है इसलिए मैं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और फोर्थ पॉइंट में देयर विल बी टू सेमेस्टर एग्जामिनेशन पर ईयर, द फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन विल कमेंस इन नवंबर दिसंबर 2019। हाँ ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए जानने के लिए कि मतलब जो अब हमारा पहला पेपर है वो अब हमारा नवंबर दिसंबर के आसपास होगा, तो हमारे पास ले देंगे कुछ महीने बचे हैं और इसमें तैयारी भी करनी है, कोर्स चेंज हुआ है, नया पैटर्न आएगा, नया सिलेबस है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी फिलहाल हमारा नया चैनल है, इस पर अभी कोई वीडियो नहीं है, ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। तो हम इस पर अब डी यू सोल्स के जितने भी बी ए केवल बी ए ओनर्स और प्रोग्राम के लिए है ये अभी फ़िलहाल के लिए, बाकी हम आगे इसको एक्सपेंड करेंगे फैलाएंगे। तो अभी फ़िलहाल ये डी यू सोल जितने भी हैं स्टूडेंट्स बी ए और प्रोग्राम और बी ए ओनर्स उन स्टूडेंट्स के लिए चैनल काफ़ी इम्पैक्टफुल है और हेल्पफुल है। तो अगर उनको हमसे कुछ सीखना है, पढ़ना है या समझना है, अपने सिलेबस को कंटिन्यू रखना है या और कुछ भी अपडेट्स जो उनके बारे में जानना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो उनको आसानी हो जाएगी। और इन्होंने पांचवें पॉइंट में दे रखा है कोर्स मटेरियल सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इज़ अंडर रिविजन एंड विल बी पब्लिश शॉर्टली, यू विल बी इन्फॉर्म्ड अकॉर्डिंगली। ये वही बात बता रखी है उन्होंने कि मतलब हम जल्दी से जल्दी इसकी सिलेबस वगैरह वगैरह जो भी है हम अपनी मतलब तैयारी कर रहे हैं और हम जल्दी ही इसको पब्लिश कर देंगे। तो और वी वेलकम यू ऑन दिस जर्नी ऑफ लर्निंग, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपको कुछ भी बी ए ऑनर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट मतलब पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या फिर एस ओ एल की सब बड़ी बड़ी अपडेटें जानना चाहते हैं, छोटी बड़ी जो भी मतलब आने वाले टाइम में है अगर अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी अच्छे तरीके से हम इसके बारे में बता सकें, समझा सकें और आगे।